But as a judge, matlab it's a great opportunity. हम कुछ ट्रैवल व्लॉग्स कर सकते हैं फिर. सो गुड मॉर्निंग गाइस. तो आज सुबह मेरा हुआ है कि मुझे ऑर्डर पैकिंग करना है चेन्नई से हिमाचल प्रदेश, और एक यहाँ पर ये फ्रेंड है उसको देना है. तो मैं फटाफट सोच रही हूँ कि सब काम करने से पहले, मतलब आज मैं ऑर्डर ही डिस्पैच कर दूँ. लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ऑर्डर अच्छे से है तो फिर फटाफट करा देंगे ना. क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? मैं क्यों रुकाना किसी को. कटिंग स्टार्ट करते हैं. कटिंग करना कैची से ही कर देते हो, छोटे से. मम्मी तो और बड़की कैची देते. ये इधर ही रख दे, एक मिनट वीडियो चालू. तो ये देखो, पूरा घर गंदा करके रखा है मैंने, पूरा गंदा हो गया है यहाँ वहाँ. तो अभी ये फटाफट मुझे क्लीन करना है. और अभी जस्ट मुझे याद आया कि यार मेरा आज का वीडियो एडिट नहीं हुआ है, तो फटाफट मुझे अभी करना पड़ेगा. चलो ये फटाफट मैं क्लीन कर दूँ, फिर एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ, फिर वो पोस्ट करने में जाना है. यार बहुत काम है आज तो. चलो 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 फटाफट कर लेती हूँ मैं. चलो फिर अभी मैं ये फटाफट लगा लूँ. भाई जी हेल्प करेगा. चलो फिर लगा. कैची दे दो. लास्ट लास्ट लेयर. तो अब मैं जा रही हूँ ये सब कुरियर करने के लिए. ये दो, ये तो फिर वो घर पे आके ही लेने वाला है. ये डोंबिवली का जो है वो, ये जा रहा है अब. एक जा रहा है हिमाचल प्रदेश और एक जा रहा है चेन्नई. चलो फिर बाय. यार मैं अभी जाने वाली थी पोस्ट करने के लिए, लेकिन अभी मुझे टाइम देखा तो पता चला 1:30 हो रहा है. उनका ब्रेक टाइम रहेगा, अब 2 बजे जाऊंगी. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इनको ब्रेक तो चाहिए ही रहता है. ब्रेक के टाइम पे एक भी आ गया ना तो उनको रुका देंगे उन लोग, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे. तो ठीक है चलो कोई नहीं, ब्रेक के टाइम किसी को भी डिस्टर्ब किया तो बहुत बुरा लगता है, मुझे भी पता है. तो चलो तब तक मैं सोच रही हूँ वीडियो ट्रांसफ़र कर लूँ लैपटॉप में एडिटिंग के लिए. तो तब तक मेरा वो तो हो जाएगा एटलीस्ट, तो वहाँ टाइम बच जाएगा मेरा. तो फिर बाद में 2 बजे जाके मैं पोस्ट कर दूँगी.
तो वहाँ मिला मौका तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे मेरा पोस्ट का एक्सपीरियंस वो लास्ट डिलीवरी के टाइम था तो थोड़ा अच्छा था वो। यू कुरियर करने के लिए देखो मैंने बोला ना 1:30 to 2 इनका लंच टाइमिंग है। आ गई हूँ इसको डिलीवर करने को। ये है नीरज जो डोंबिवली में रहता है। थैंक यू। वेस्ट वेस्ट, अरे वेस्ट का नाम मत लो, डोंबिवली वेस्ट इज वर्स्ट। डोंबिवली वेस्ट एक जगह है पता है तेरे को? एक ही जगह है वो। हाँ, तो इसलिए एक ही जगह और उधर कुछ है ही नहीं। ये हरियाली है भाई, हरियाली। ए चल बताना मुझे घर जाके और स्टोरी भी डालना मेरा अगर तुझे पसंद आया तो। ओके स्टोरी आज के बाद जो स्टोरी आएगा उसमें तुझे टैग करेगा ही मैं। यस पक्का कर। अपलोड किया तो हाँ तू मेरे को फोटो भी भेजना फिर मैं मेरा कस्टमर रिव्यू में डालूंगी टी वेस्ट पे। ओके अच्छा फोटो लेना पर एकदम क्लास भाई डीएसएलआर से लेता हूं। तो थैंक यू। दिखा तो कैसा, पैकिंग कैसा लगा? पैकिंग तो सही है ना। थैंक्स। थोड़ा जोर से बोलना तेरा आवाज नहीं आ रहा है। वो ये मिलते थे ना पेड़े मिलते थे ना। हाँ कैसा है रे, अब भी पहन ले काम कर। अरे निकल। ओहो ये भारी लिखा है। थैंक यू नीरज फॉर योर परचेज टैग मी इफ यू वियर इट। देख तूने मेरे को बोला अगर कभी पहना तो टैग करने का। भाई तो दिखा, ये देखो मैंने लिखा है टैग मी इफ यू वेयर इट। कितने सारे शॉप ओपन हो गए रे डोंबिवली में। ओ भाई शॉप ओपन हो रहे हैं। ये बिल्डिंग अच्छा बना है रे। हाँ भाई तो मेन तो यही है, मेन तो यही है। एक्चुअली मैं और मेरी जो बहन है उसके लिए मंगाया है। ओ तेरा कौन सा है, लियो की स्कॉर्पियो? ओ ये लियो किधर बाबा इतना। मेरा भी स्कॉर्पियो ही है। तो ये बन रहा है मेरा शेवपुरी पार्सल। गाइस आज एडिटिंग करने में भी इतना लेट हो गया ना मेरे को। 8:30 तक तो एडिटिंग करने में लग गया, फिर जो मुझे नींद आया ना 9 बजे मैं सो गई। शिट सो ही गई फिर मैं। फिर मम्मी ने 10 बजे उठाया अनुपमा देखने के लिए। यार आजकल पता नहीं मेरे को एडिटिंग में कितना टाइम लग रहा है। मैं मतलब कर तो बेसिक एडिटिंग ही रही हूँ लेकिन मेरा टाइम बहुत जा रहा है एडिटिंग में लग रहा है। मुझे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा वो चीज़ पे। और फिर इतना सर फटने लगा ना मेरा वो लैपटॉप के सामने बैठ के तो मैं पूरी वाटी लग गया मेरा। बॉक्स दिखाती हूँ मैं क्या आया है, मेरे को भी नहीं पता है। मतलब मैंने पूरा किट ऑर्डर कर दिया था। सो लेट्स सी क्या क्या। चलो आप लोगों को बताती हूँ। चलो मुझे कोई भी बॉक्स अनबॉक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो, अरे वैसे मैंने बोला कि नहीं नीरज को मास्क बहुत अच्छा लगा जो उसने पहना भी था। फिर वो मास्क जो था आज मज़ा आया। हिमाचल प्रदेश और चेन्नई गया ना आज। हाँ करेक्ट। अभी देखते हैं उनको मिलेगा तो मैं उनसे रिव्यू लूँगी कुछ अच्छा। तो मतलब अभी स्टार्टिंग में जैसे फीडबैक्स अच्छे अच्छे मिलेंगे ना, अच्छे अच्छे नहीं मतलब फीडबैक बुरे भी मिले तो हम इम्प्रूवमेंट तो कर सकते हैं उसमें। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने सोचा है कि मैं लूँगी फीडबैक अच्छे से उनका। मतलब थोड़ा कुछ गलत भी रहेगा और उन लोग ने बोला तो फिर मैं मान जाऊँगी मतलब अच्छे से और उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगी। सो लेट्स सी, चलो अनबॉक्सिंग करते। तो चलो ये देखो घर मैंने इतना गंदा करके रखा है ना, मम्मी तो मेरे को मार डालेगी भाई। तो चलो मैं ये खोलती हूँ। खोलने के लिए मुझे कुछ चाहिए। इसका पूरा किट ही था जो मैंने ऑर्डर किया ना वो पूरा किट में था और अच्छे प्राइस में था इसलिए कर लिया। ये देखो ये जैसे है ग्लोइंग गोल्ड करके है, ये जेंटल फ्रूट है और ये है फ्लॉलेस पपाया, ये है वाइटनिंग और ये है ब्राइटनिंग डायमंड। तो ये है मेरा 5 किट। सो लेट्स सी ये यूज जब मैं करूंगी तब सोच रही हूँ आपको बताऊंगी मैं। तब तक ये देखो किट्स बहुत मजा आता है। चलो फिर अभी तो रात हो गया है, मम्मी खुश हो जाएगी ये सब देखेगी तो मैंने मंगाया है तो, क्योंकि मम्मी को पता नहीं है ये सब मंगाया हुआ तो मम्मी भी यूज करेगी मेरे साथ ये प्रोडक्ट्स क्योंकि मम्मी को ज्यादा ये सब चीज में मजा आता रहेगा। करती नहीं है मम्मी लेकिन मैं कराऊंगी। थोड़ा अभी केयर करना चाहिए स्किन का अपने। हाँ ये घुसे नहीं रहे। चलो फिर ये सब आप लोग को देख के मैं पकाऊंगी नहीं, ये मैं अभी फिलहाल साइड में रख देती हूँ और हम बात करते कुछ। पूरा मैंने ना बेड बिस्तर सब खराब किया है।
आज तो बहुत, अरे भाई जी यार बुक पढ़ता है और रख देता यहीं, और फिर बाद में मम्मी मुझे डांटेगी कि कुछ क्लीन नहीं किया है करके घर, ऐसा कैसे चलेगा भाई जी। सो गाइस, मेरा पता है ये मंथ सेकेंड वैक्सीन का डेट है, ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, शायद से 13 तारीख से है वैक्सीन का जो भी है वो, तो देखते हैं अभी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, देखते हैं जल्द से जल्द मिल जाए। मतलब 13 को है, मैं सोच रही हूँ पहले दिन ही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, देखेंगे 13 को मिल गया तो अच्छा है, ले लेंगे फिर बाद में, एटलीस्ट मैं फ्री तो हो जाऊँ थोड़ा यहाँ वहाँ जाने में, मतलब तो हम कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स कर सकते हैं फिर, क्या बोलते हो, करूँ ना। से गाइस एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताई ही नहीं, अभी कल एज अ जज मुझे कॉलेज में अपॉइंट किया है उन्होंने, तो मुझे व्लॉगिंग जज करना है, मतलब व्लॉगिंग का कुछ उनका कंपटीशन है जो सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन लोग ऐसा जज मेरे को बुलाया उन्होंने, सो लेट्स सी कैसे होगा, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, पता नहीं हो जाए अच्छे से सब कुछ, शायद तो हो ही जाएगा लग रहा है, बट अच्छे से हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा एज अ जज मैं कहीं जा रही हूँ। वाओ, बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी राइट, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं अभी, मतलब ठीक है अभी स्टार्ट है ये सब चीज़, तो थोड़ा थोड़ा मुझे इससे यूज टू होना पड़ेगा अभी, तो कर लेंगे यार, कर लेंगे है ना, कर ही लूँगी यार, चलेगा। और वैसे भी मतलब ब्लॉगिंग रिलेटेड है तो मेरे को थोड़े बहुत तो आइडिया है ही, ब्लॉगिंग क्या रहता है क्या नहीं रहता है, तो मैं कर सकती हूँ मुझे लग रहा है, बट यही है कि मैं वहाँ जाके ऐसा नर्वस ना हो जाऊँ और कुछ भी ना बोल दूँ, यही डर लग रहा है खाली, बस और सब तो हो जाएगा मुझे पता है। तो चलो विश मी लक, शायद आप लोग जब तक ये ब्लॉग देखोगे तब तक मेरा वो हो जाएगा लाइव, बट ठीक है ना, तो आप लोग वो लाइव जाके देख लेना, लेट्स सी कैसे होता है। विश मी लक, विश मी लक, आई एम सो नर्वस राइट नाउ। अरे मेरे को शाम को ऐसा बहुत सोच रही थी ना मैं, तो मुझे स्ट्रेस आ रहा था, शिट कैसे होगा क्या होगा, फिर बाद में मैंने एक ऐसे ही फ्रेंड से बात किया, फिर वो बोला कि हो जाएगा करके, तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है चल चल हो जाएगा, लेट्स सी अब कैसे होता है। और अब बज रहे हैं रात के 12:05 ही हो रहा है यार, आप लोग को सच बताऊँ क्या, मैं वहाँ देखती हूँ हमेशा टाइम देखने के लिए, बट वो घड़ी बंद हो गया है, मेरा पोपट उछाता है, फिर मैं गेस कर रही हूँ अभी कि हाँ 12:05 होता रहेगा क्योंकि अभी 12 बज रहे थे, शिट आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैं हंसना हूँ मेरे पे बस, तो वो घड़ी में अभी भी 9 ही बज रहा है, 9 ही बजता है, 9 ही बजता है, वो घड़ी का सेल चेंज करने का, पप्पा नहीं तो डांटेंगे, बोलते बंद घड़ी घर में नहीं रखते, करा दूंगी फिर कल चेंज घड़ी। तो चलो गाइस अब मैं सो जाऊँ क्या, मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ क्योंकि एडिटिंग मुझे नहीं लग रहा मुझसे अभी हो पाएगा क्योंकि बहुत नींद आ रहा है मुझे, और कल सुबह करूँगी एडिटिंग, तो आप लोग भी सो जाओ और अपना अच्छे से ध्यान रखो, विश मी लक, पता नहीं कल के लिए मैं थोड़ी नर्वस तो हूँ बट हो जाएगा शायद लग रहा है, देखते हैं आप लोग से शेयर करूँगी। सोच रही हूँ जब मेरा लाइट चालू रहेगा तो बाजू में मेरा कैमरा भी रखूँगी, फ़ोन मतलब, तो जिससे हम अपना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ थोड़ा वो लाइव जैसा रहेगा वो, और आप लोग से शेयर करूँ कि क्या हुआ, भले ही मेरा थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी, ऊपर नहीं होगा बुरा एक्सपीरियंस, हमेशा भी पॉजिटिव आती थी, भी पॉजिटिव अच्छा ही होगा, तो हाँ तो अच्छे से ही होगा, तो मैं आप लोग से वो भी शेयर करूँगी, ठीक है भले कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा ये, तो देखते हैं मैं सब कुछ आपके साथ जर्नी शेयर करूंगी, बट एज अ जज मतलब इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे लग रहा है पता नहीं है शायद से ग्रेट अपॉर्चुनिटी राइट, मुझे कमेंट में बताओ कि ये है कि नहीं ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब मेरा ये सपना था कि मैं कॉलेज में पढ़ूँ और आज मुझे वहाँ मेरे को जज एज अ जज बुला रहे, तो मुझे बहुत ऐसा एक्साइटमेंट हो रही है एज अ जज। ओके चलो बाय, बहुत हो गया अभी, तो गुड नाइट गाइज, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये करो, अभी हम 12.4K हो सब्सक्राइबर्स है, धीरे 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 आप लोगों को याद है ना 365 डेज तक 1 मिलियन करना है मेरा, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मैं भी डेली 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 365 डेज तक वीडियोज डालूंगी, उसके बाद भी डालूंगी, मतलब 365 डेज तो कैसे मुझे कंप्लीट करना है, तो चलो बाय, बहुत बोल दिया, बाय।